हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन ऑफ एन आंसर। दोस्तों, जब भी हम आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं बहुत मोटिवेशन के साथ करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखने की शुरुआत करते ही हमारा पेन चलना बंद हो जाता है, क्योंकि हमें पता नहीं लगता है कि हमारा पहला शब्द क्या होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि आंसर राइटिंग करनी शुरू करी और इंट्रोडक्शन में फंस गए और उसके आगे फिर बढ़ने का मन ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से और क्यों हमें एक बहुत अच्छी आंसर राइटिंग जो है वो करनी चाहिए और उसमें इंट्रोडक्शन हमें किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए। आगे आपको गुड बॉडी कैसे लिखनी है किसी आंसर की और कंक्लूजन कैसे लिखना है उनकी वीडियोज भी मिलेंगी, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है किसी भी क्वेश्चन की, भले ही वो 4 मार्कर हो, भले ही वो 8 मार्कर हो, भले ही वो 20 मार्कर हो। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम किसी 4 मार्कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर हम इंट्रोडक्शन अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपके साथ ऑलरेडी वर्ड लिमिट जो है वो 60 शब्दों की होती है, तो वहां पर इंट्रोडक्शन लिखना काफी फिजिबल नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपके काफी वर्ड खा जाएगा और आपकी जो बॉडी पार्ट है वो वीक हो जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर का। तो कोशिश ये करें कि वहां पर एक सिंगल लाइन लिख सकते हैं, कनेक्टिंग लाइन लिख सकते हैं, ताकि फ्लो बना रहे और उसके बाद आप सीधा आंसर शुरू कर दें। मैं एक एग्जांपल उसका भी दूंगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि हम इस पूरी वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ राइटिंग अ गुड इंट्रोडक्शन, क्यों हमें एक अच्छी इंट्रोडक्शन लिखनी चाहिए, ठीक है। क्या बिना इंट्रोडक्शन अच्छी लिखे काम नहीं चल सकता, क्योंकि हमें तो बॉडी पार्ट ज्यादा अच्छा लिखना, क्वेश्चन आंसर में ज्यादा अच्छा लिखना चाहिए, क्योंकि उस पर ही मैक्सिमम मार्क्स आपके मिलेंगे आपको। तो इंट्रोडक्शन की इतनी क्या जरूरत है, हम बात करेंगे, ठीक है। देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल इंट्रो, किसी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आप एक फिक्स इंट्रो ही लिखते रहो हर बार। हम कुछ पॉसिबल इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे जो एक क्वेश्चन के आंसर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर दोस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शंस, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी इंट्रोडक्शंस पॉसिबल हैं, फिर किस तरीके से उन इंट्रोडक्शंस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन, एक अच्छी इंट्रोडक्शन में क्या क्या होना चाहिए, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले वाई वी शुड राइट अ गुड इंट्रोडक्शन। दोस्तों, आप किसी आदमी को देखते हैं, उसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका इंप्रेशन लगता है कि यार अच्छा बंदा है, अमीर बंदा है, क्वालिटी बंदा लग रहा है देख के, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना आपके आंसर्स का, ये कौन बनाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन बनाएगा। आपने एक क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू किया, एग्जामिनर उसको पढ़ रहा है, तो इंट्रोडक्शन उसको पहला जजमेंट देगा कि भाई इस बच्चे में कितनी नॉलेज है, कितना क्वालिटी आंसर इसने लिखा होगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आप एग्जामिनर के माइंड में क्रिएट करना चाहते हो तो वो कहां से क्रिएट करोगे, वो आप एक इंट्रोडक्शन से क्रिएट करोगे। देन दोस्तों, आपका जो पर्पस है, जो आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के बाद पर्पस आइडेंटिफाई करके आंसर लिख रहे हो, वो भी आपके इंट्रोडक्शन से पता लगेगा। अब एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ते ही जज कर लेगा कि भाई इस बच्चे ने क्वेश्चन को सही समझा है या नहीं समझा है। अब क्या होता है ना, कई बार हम क्वेश्चन अधूरा समझ के बैठे होते हैं, या फिर हमने इंटरप्रिटेशन ही क्वेश्चन की कुछ और ले ली होती है और हम आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, तो हमारा इंट्रोडक्शन ही हमारा पहला एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाएगा एग्जामिनर के साथ, जहां पर एग्जामिनर हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन को जज कर सकता है। देन दोस्तों, जो इंट्रोडक्शन है एक रूम भी प्रोवाइड करता है थोड़ा शक्ति प्रदर्शन का, नॉलेज शो ऑफ का। देखो, अगर मान लो किसी पर्टिकुलर आंसर में आपको बहुत अच्छे डाटा पता है, फैक्ट्स पता है, फिगर्स पता है, तो आप इंट्रोडक्शन में मेंशन करोगे और एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई इस बच्चे को इस टॉपिक की बहुत अच्छे से स्पेसिफिक नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा कि हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड्स के जो इंस्टेंसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करो। तो वहां पर अगर आपने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया कि किन्नौर के कौन से इलाके में 2020 या 21 में हमें लैंडस्लाइड देखने को मिले, तो वहां पर जो आपका ये नॉलेज प्रदर्शन है वो एग्जामिनर को आपकी अच्छी छवि जो है वो क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर शो ऑफ करना है आंसर में वहां पर हम करेंगे भी, और इंट्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर हम अपनी नॉलेज को शो ऑफ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी नीड टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन, पहला इंप्रेशन हमारे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को शो करेगा और हमारी नॉलेज को शो करेगा। देन नेक्स्ट थिंग कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों, यहां पर ना आप ऐसा नहीं कि एक सिंगल रूल फॉलो कर लो कि देखो सर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसी इंट्रोडक्शन लिखूंगा, नहीं, आप क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से अपनी इंट्रोडक्शन को वेरी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन चार्टर, अभी क्वेश्चन है मान लो, अभी क्वेश्चन एक डेफिनेशन के बेसिस पर अगर आप इंट्रो करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपसे पूछा कि सिटीजन चार्टर जो है उसके बारे में आप क्या समझते हो, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी। अब सिटीजन चार्टर एक स्टैटिक टॉपिक है, इट इज नॉट अ डायनेमिक टॉपिक, ठीक है। तो स्टैटिक टॉपिक में सिटीजन चार्टर के बारे में क्लियरली मेंशन किया गया कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर,
तो आपको सबसे पहले वो डेफिनेशन ही प्रेजेंट करनी चाहिए, ये बेस्ट अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन होगी। अब मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा है, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि इंडिया में फॉरेस्ट फायर्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब यहां पर अगर आप कोई डाटा, कोई फैक्ट बताओ, कोई फिगर दो कि भाई पिछले 5 सालों में इंडिया में इतने परसेंट इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट फायर का, तो आपने क्वेश्चन की जो लाइन है उसको जस्टिफाई कर दिया है, तो उसको एक अच्छा इंट्रोडक्शन मानेंगे। तो सेकंड टाइप क्या है, आपने डाटा फैक्ट फिगर देके कंटेक्स्ट को स्पेसिफाई कर दिया। और एक और है रीसेंट कंटेक्स्ट, आपसे पूछा कि इंडिया एशियन रिलेशंस में क्या बदलाव आया है, क्या चेंज आया है, ऐसा मान लो एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि रिसेंटली जो हमारे पीएम है या फिर हमारे प्रेसिडेंट हैं या फिर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं या फिर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने विजिट किया है किसी पर्टिकुलर एशियन कंट्री को या एशियन की मीटिंग को, और वहाँ पर उन्होंने ये बोला है और ये शो करता है कि हमारे लिए एशियन कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपने कंटेक्स्ट आइडेंटिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल आपसे एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ, आपसे पूछा कि भाई रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है और उसका क्या पॉसिबल इंपैक्ट है इंडिया रशिया एंड इंडिया यूक्रेन रिलेशंस पे, तो यहां पर आंसर में आप कोई डेफिनेशन नहीं दोगे, आपके फैक्ट एंड फिगर नहीं बताओगे, आप बेसिकली कंटेक्स्ट स्पेसिफाई कर दोगे कि देखो आजकल जो रशिया यूक्रेन के रिलेशन है वो काफी टेंस है, दोनों में वॉर चल रही है और इसका इंपैक्ट हमें इंडिया रशिया रिलेशन एंड इंडिया यूक्रेन रिलेशन दोनों पर ही देखने को मिलेगा एज शोन बिलो। तो आपने क्या किया कि उसको बॉडी पार्ट में धकेला एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बना के एज पर द कंटेक्स्ट ऑफ द न्यूज, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखिए कि आपकी जो पॉसिबल इंट्रोडक्शन है वो एक डेफिनेशन हो सकती है, वो एक फैक्ट एंड फिगर हो सकती है, वो एक कंटेक्स्ट हो सकता है, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपसे पूछा कि इंडिया में एडिबल ऑयल, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि एडिबल ऑयल इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है, तो क्या इंडिया में स्टेटस है एडिबल ऑयल का, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया मान लो। तो यहां पर आपके पास डाटा, जैसे इंडिया जो है एडिबल ऑयल इंपोर्टर है और फोर्थ लार्जेस्ट जो है वेजिटेबल ऑयल इकोनॉमी है आफ्टर यूएसए चाइना ब्राजील, ऑयल सीड अकाउंट फॉर 13% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया, 3% ऑफ जीएनपी एंड 10% वैल्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर कमोडिटी। तो यहां पर बेसिकली आप कर क्या रहे हो, देखो ऐसी नॉलेज रखनी पड़ेगी आपको, फैक्ट्स वगैरह ध्यान में रखने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको जितना बार आप कंटेंट रिवाइज करोगे उतना आपको स्ट्रांग बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हम किस तरह की इंट्रोडक्शन यूज कर रहे हैं आप वो समझिए, यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन यूज कर रहे हैं एक फैक्ट एंड फिगर वाली, जहां पर आप बहुत सारा डाटा देके ये शो कर रहे हो कि एडिबल ऑयल इंडिया में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। एक और इंट्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों, ये है सोशल ऑडिट के। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सोशल ऑडिट, ठीक है, अब सोशल ऑडिट गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो यहां पर आप इसकी डेफिनेशन दोगे, इट इज अ प्रोसेस इन विच डिटेल्स ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड बाय द पब्लिक एजेंसी फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव आर शेयर्ड विद द पीपल। अब सोशल ऑडिट बेसिकली क्या है, अगर हम सिंपल भाषा में समझें, डेफिनेशन को साइड रखते हैं, कि भाई एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज वहां पर काम कर रही हैं, अब उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का जो डाटा है, जो रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो, वो आप शेयर कर रहे हो लोगों के साथ, ताकि वो चेक कर सकें कि भाई इसी हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बेसिकली पब्लिक को आप ऑडिट करने का मौका दे रहे हो उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके, ठीक है ना, यही हो रहा है। तो सोशल ऑडिट की आप डेफिनेशन लिखोगे, क्योंकि यहां पर अगर आपसे पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ऑडिट, तो आप ये डाटा तो नहीं दोगे कि भारत में पिछले 2 सालों में इतने परसेंट सोशल ऑडिट हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई डाटा होता भी नहीं है। तो जबरदस्ती हमें डाटा वाली इंट्रोडक्शन ही लिखनी है, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के हिसाब से हमारी इंट्रोडक्शन डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, हिस्ट्री का मान लो एक क्वेश्चन है, तो अगेन यहां पर आप डेफिनेशन या फिर एक जो क्विट इंडिया मूवमेंट की कुछ वर्डिंग्स होती हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त रेवोल्यूशन, वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, द रेवोल्यूशन वॉज फ्रेम्ड बाय महात्मा गांधी फॉर ब्रिटिश विड्रॉल एंड नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट एनी जापानीज इन्वेजन। तो ये आपने उस पर्टिकुलर मूवमेंट की एक तरह से जो आउटलाइन है, या फिर अगर मैं इनडायरेक्ट टर्म में बोलूँ तो डेफिनेशन आपने मैंशन कर दी, ठीक है। तो ये टाइप है पॉसिबल, अगर वट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ऑडिट तो डेफिनेशन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यूट इंडिया मूवमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्वदेशी मूवमेंट, तो आप उनकी जो बेसिक लाइनिंग है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हम क्या लिखेंगे कि भाई स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया ऑन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, इट वॉज लॉन्च्ड फॉर्मली ऑन 7 अगस्त 1905, और इसके बाद बंगाल में हमें एक बहुत वायलेंट बहुत नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला और इंडिजिनस इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, ऐसा कुछ पॉइंट लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं एक और, कि आपसे इंडियन मानसून के बारे में पूछ लिया कि 8 नंबर के क्वेश्चन में, कि राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन मानसून फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून फॉर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर बेस्ट क्या रहेगा कि आप मानसून की डेफिनेशन दे दो कि भाई इंडियन मानसून से हम क्या समझते हैं, साउथ वेस्ट मानसून से हम क्या समझते हैं। तो ये आपको पॉसिबल इंट्रोडक्शन में दिखा रहा हूँ। एक और इंट्रोडक्शन है रिसेंट कंटेक्स्ट में, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंडिया में FDI का जो इन्फ्लो है वो वेरिएबल है पास्ट कुछ ईयर्स में, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ इंडियन इकोनॉमी में,
ठीक है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में आप रिसेंट डाटा मेंशन करोगे, रिसेंट कंटेक्स्ट मेंशन करोगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसने रिसेंटली बोला है कि इंडिया हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एवर टोटल एफडीआई इनफ्लो। अब देखो आप कहोगे कि सर ये डाटा भी है, देखो डाटा है लेकिन कंटेक्स्ट में आप समझिए कि वो जो क्या है वो ओवर अ पीरियड डाटा है और ये कंटेक्स्ट वाला डाटा है। सिमिलरली द रिसेंट अरेस्ट ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट, अगर मान लो सिडिशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने एक डिसेंट कंटेक्स्ट दे दिया। अगर आपसे पूछते हैं मान लो साबरीमाला के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं या फिर अबॉर्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो जो रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की उसको आप एज अ कंटेक्स्ट प्रेजेंट कर सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझने का मतलब यही है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई इंट्रोडक्शन वेरी कर सकती है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों यहां पर भी बहुत सारे रूल हैं। सबसे सिंपल रूल क्या है कि आप लोगों को जो फैक्ट है, डाटा है, जीडीपी फिगर हो गई, एनपीए का डाटा हो गया, फ्रॉड्स का डाटा हो गया, ये सारा आपको कहां से मिलेगा? करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से। ठीक है, तो आप जब भी न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो, अगर मान लो आप स्टैटिक न्यूज़ भी पढ़ रहे हो, आप डायनेमिक न्यूज़ भी पढ़ रहे हो, उनको यूज करो अपने मेंस के सिलेबस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि भाई ये रिपोर्ट आई है आईएमएफ की और इसमें बोला गया कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 6.3% होगी इस साल। अभी डाटा है, अब ये डाटा ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट था। आपसे पूछ सकते हैं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी आईएमएफ की, ये रिपोर्ट इसमें कितनी ग्रोथ बताई गई है इंडिया की 2021-22 के लिए, तो आप वहां पर फैक्ट याद रखोगे। लेकिन उसी फैक्ट को आप मेंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो फैक्ट ऐसा नहीं कि आपको सेपरेटली प्रिपेयर करने पड़ेंगे मेंस के लिए अलग से, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ रखे हैं उन्हीं को आपको यहां पर यूज करना है। अगला है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है। फिर कुछ टर्म्स जो है वो हमें स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डेफिनेशन वहां पर हमें देखने को मिलती है, जैसे वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दे रखी है, यूएनईपी ने डेफिनेशन दे रखी है काफी चीजों की, तो वो हमें यूज करनी है। अगर नहीं मिलती है तो एक बार सर्च पक्का करना है, और रिसेंट कंटेक्स्ट अगेन करंट अफेयर से। अब बात करते हैं कि एक अच्छे इंट्रोडक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, और दोस्तों अगेन ये चीज आपको काफी परेशान करेगी, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि व्हाट शुड बी इन अ गुड इंट्रोडक्शन। सबसे पहला कि वो इंट्रोडक्शन जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए टू द क्वेश्चन। आपसे पूछा कुछ और है, आप लिख कुछ और रहे हो, दोस्तों फिर मजा नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो कोशिश हमेशा यही करनी है कि जो भी इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो वो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हो। ठीक है, अगर आपसे पूछा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वहां पर आप गांधी जी की अगर बायोग्राफी बताओगे तो वो गलत हो जाएगा। या फिर अगर आप अगस्त ऑफर से शुरू कर रहे हो, आप 1937 या वर्ल्ड वॉर से शुरू कर रहे हो, तो अगेन थोड़ा गलत हो जाएगा। आप शुरुआत ही डायरेक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट से करो। हाँ, अगेन अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्कर है तो वहां पर आप बाद में वर्ल्ड वॉर का कंटेक्स्ट दे सकते हो, लेकिन इनिशियली टू द पॉइंट अगर आप इंट्रोडक्शन लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो आपका इंप्रेशन क्रिएट करेगा, आप एग्जामिनर को खींच रहे हो बेसिकली। और अट्रैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एग्जामिनर को ये शो करो कि भाई जो तूने क्वेश्चन पूछा है उसी का आंसर मैं कर रहा हूं, मैं फालतू इधर उधर नहीं जा रहा। ठीक है, नेक्स्ट चीज की जो आपके इंट्रोडक्शन की वर्ड लिमिट है वो 10-12% होनी चाहिए ओवरऑल आंसर के वर्ड लिमिट की। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा है 120 शब्दों का, तो आपकी इंट्रोडक्शन मैक्सिमम 15 वर्ड, मैक्सिमम 20 वर्ड होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत फालतू इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। अब मन करे कि इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दो तो थोड़ा गलत हो जाएगा, फिर बॉडी पार्ट में क्या लिखोगे। तो कोशिश ये करनी है कि तीनों पोर्शंस को सेपरेट रखो, सेपरेट इन द सेंस कि इंट्रोडक्शन की अपनी यूटिलिटी रखो, बॉडी की अपनी यूटिलिटी रखो और कंक्लूजन की अपनी यूटिलिटी रखो, लेकिन इनके बीच में हमेशा एक कनेक्टिंग लाइन पक्का होनी चाहिए। जब भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो वहां पर इंट्रोडक्शन को एंड कैसे करना है एक कनेक्टिंग लाइन के साथ जो आपको बॉडी पार्ट से लिंक दिखाए। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस और उसके एसेंशियल कंपोनेंट कौन से हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया एग्जामिनेशन में, तो यहां पर सबसे पहले आप क्या बताओगे, गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन बताओगे। अब गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन बहुत सारी है, वर्ल्ड बैंक ने अपनी दे रखी है, यूएनडीपी ने अपनी दे रखी है, तो कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको मेजरली याद है, मतलब 100% तो याद किसी को भी नहीं होती है, जो आपको 80-90% याद है उसको यूज करो। ठीक है, उसको लिखो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ये डेफिनेशन है गुड गवर्नेंस की। एंड जैसे ही आप ये खत्म करोगे, क्योंकि अगला पार्ट भी है व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट, तो इंट्रोडक्शन की अगली ही लास्ट लाइन ये होनी चाहिए कि देयर आर फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस, या फिर एज पर यूएनडीपी देयर आर 8 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस एज मेंशनड बिलो। तो जो 8 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, वो आप नीचे फिर मेंशन करना शुरू कर दोगे। तो समझ लो आपकी इंट्रोडक्शन जब खत्म हो रही है तो आपको एक कनेक्टिंग लाइन पक्का देनी है जो बॉडी पार्ट से लिंक करे। आप अगर आप इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ो, द हिंदू में आर्टिकल पढ़ो, तो जहां पे ऊपर वाला पैराग्राफ खत्म हो रहा होता है वहीं से ही आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो कनेक्ट हो रहा होता है, एक लाइन होती है लास्ट में पहले पैराग्राफ के जो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ का फ्लो बना रही होती है, तो यहां पर भी आपको फ्लो का ध्यान रखना है। देन फैक्चुअली करेक्ट इफ फैक्ट्स हैव बीन यूज्ड। अब ऐसा नहीं है कि आपने डाटा दे दिया कि भाई हिमाचल प्रदेश में 90%
जो लोग हैं उनका जैम ट्रिनिटी जो है वो सेटअप हो चुका है, जन आधार मोबाइल लिंक हो चुका है, तो थोड़ा वेग फैक्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी 90% नहीं है, अभी 80% पहुंचे हैं, तो जो डाटा है वो रेलिवेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, याद रखिएगा, एग्जामिनर बेवकूफ़ नहीं है, उसका लॉजिक, उसका कॉमन सेंस हमसे काफ़ी ऊपर है और वो भी काफ़ी नॉलेज रखता है। और कनेक्टिंग लाइन विद दी बॉडी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जब भी इंट्रोडक्शन लिखनी है उसके एंड में एक कनेक्टिंग लाइन पक्का आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लो इंडिया इजराइल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई इजराइल और जो आपका फलस्तीन वाला एरिया है उसके बीच में वॉर शुरू हो गई है दोबारा से, तो इसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने लिखा, या वेस्ट एशिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वायलेंट कन्फ्लिक्ट इन एस्केलेटेड इन मई 2021 बिटवीन इजराइल एंड टेररिस्ट आउटफिट इन फलस्तीन, ठीक है, ये आपने पूरा लिखा। द कन्फ्लिक्ट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वेस्ट एशियन मिडिल ईस्ट मे हैव मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट ऑन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपने कनेक्टिंग लाइन दे दी है, अब यहां से अगला पोर्शन क्या होगा, आपका बॉडी पार्ट, ठीक है ना? तो यही ध्यान आपने रखना है कि ऐसा ब्लैंक ना हो कि इंट्रोडक्शन अलग जा रही है, उसके बाद बॉडी पार्ट फिर अलग से ही शुरू हो रहा है और कंक्लूजन अलग से ही शुरू हो रहा है, नहीं, तीनों के बीच में एक प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। कहीं भी एग्जामिनर का जो फ्लो अगर बिगड़ गया तो आपके मार्क्स बिगड़ गए, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं थिंग्स टू अवॉइड। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस लिखने अवॉइड कर दीजिए, कि अगर मान लो आपसे पूछा कि इंडिया की, अगर हम बात करें कि कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं दे आर अंडर थ्रेट, या फिर इंडिया में सेकुलर प्रिंसिपल आर अंडर थ्रेट। अब ऐसा नहीं कि आप थोड़े डिफरेंट व्यूज रखते हो और आप फैल गए वहां पर कि भाई भारत में तो हमेशा से ही डेमोक्रेसी का बुरा हाल है, ऐसे स्टेटमेंट जो है वो आपको अवॉइड करने हैं। दोस्तों, आप डिप्लोमेटिक जॉब सेटअप पे जा रहे हो, नो डाउट आपको अपने रियल व्यूज प्रेजेंट करने चाहिए, लेकिन तरीका होता है शो करने का, आपके पास एप्रोप्रिएट चैनल होगा अपने व्यूज को देने का, तो बॉडी पार्ट में आप कंसर्न में दे सकते हो, लेकिन यहां पर कोशिश क्या करो कि नेगेटिव सेंटेंस को डायरेक्टली अवॉइड कर दो। देन डू नॉट स्टार्ट विद दी टर्म्स लाइक हाउ एवर, वेदर, नहीं, आपको नॉर्मल सेंटेंस से शुरू करना चाहिए। आपको हाउ एवर अगर आप शुरू करोगे तो एक कंटेक्स्ट डिफरेंट हो गया, ठीक है? आप पहले ही वर्ड अपने आंसर का हाउ एवर लिख रहे हो, नॉट गुड, वेदर लिख रहे हो, नॉट गुड, ठीक है? नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो, नहीं, डिस्पाइट, नहीं, ऐसे वर्ड यूज नहीं करने। डू नॉट राइट एवरीथिंग इंट्रोडक्शन, देखो अगेन कंट्रोल करो, आपके पास बॉडी पार्ट भी है, आपके पास कंक्लूजन भी है, वहां पर भी बहुत कुछ लिखना है, तो इंट्रोडक्शन सिर्फ उतना दो जितना जरूरी है उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को शो करने के लिए, ठीक है ना? तो ये है इंट्रोडक्शन के कुछ रूल, आई होप कि आपको मजा आया होगा, आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, और यही आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में पहला परफेक्ट इंट्रोडक्शन लिख दोगे, नहीं दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आपकी स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन तैयार होती है। मैंने भी काफ़ी प्रैक्टिस करी है तभी जाकर थोड़ा आइडिया लगा है, और आप तो मुझसे भी बेहतर करोगे, मुझे पूरी आशा है, ठीक है? तो दिस इज ऑल फॉर यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।